बहुत ही आसान है बनाना और केवल 5 से 10 मिनट में ये बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 कप तिल, वेट में लगभग 150 ग्राम तिल हैं। इन्हें डालेंगे एक पैन में और लगभग 2 से 3 मिनट तक इन्हें भून लेंगे। ज़्यादा देर तक के लिए नहीं भूनना है, ये हल्के से क्रिस्पी हो जाए और इनका मॉइस्चर कम हो जाए, केवल इतना भूनेंगे। तिल भुन गए हैं, गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें ठंडा हो जाने देंगे। अभी मैंने भुनी हुई मूंगफली ली है, इन्हें नहीं भूनूंगी मैं। अगर आपने कच्ची मूंगफली ली है तो आप मूंगफली को भी कुछ देर के लिए भून लें। तिल के ठंडा होने के बाद इन्हें डालेंगे ग्राइंडिंग जार में और इन्हें दरदरा पीस लेंगे। लगभग 15 से 20 सेकेंड लगती हैं इनको पीसने में, ज़्यादा देर तक भी ना पीसे, इनका पाउडर नहीं बनाना है। तिलों को एक बोल में निकाल लेंगे और इसी तरह से मूंगफलियों को भी थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। दोनों को एक बोल में निकालने के बाद इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अभी पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी और घी को मेल्ट हो जाने देंगे। इसमें डालेंगे गुड़, ये मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है। मिक्स करेंगे और गुड़ को मेल्ट होने तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। गुड़ जब मेल्ट होने लगेगा तब आप इसे लगातार मिक्स करते रहें, जिससे कि ये तली में जले नहीं। गुड़ के पीसेस को स्पून से थोड़ा थोड़ा मैश करते रहेंगे, जिससे कि जल्दी से मेल्ट हो जाए गुड़। गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, अब इसे हमें बिल्कुल पकाना नहीं है। गैस को तुरंत ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे पिसे हुए तिल और मूंगफली। मिला लेंगे अच्छे से। गैस को मैंने अभी ऑफ कर रखा है। ध्यान रखें, गुड़ जब एक बार मेल्ट हो जाएगा तो तुरंत गैस को आप ऑफ कर दें। अगर गुड़ को आप ज़्यादा देर के लिए पका देते हैं तो लड्डू टाइट हो जाते हैं। मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। ये मिक्सचर हाथ से टच करने लायक हो जाए, इतना ठंडा करना है केवल इसे। अब बनाएंगे लड्डू। हाथों पर पहले थोड़ा घी लगा लेंगे, फिर बनाएंगे। और ध्यान रखें, मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा ना होने दें लड्डू बनाते टाइम। हल्का गर्म है मिक्सचर। इसी तरह से सभी लड्डू बना लेंगे इस मिक्सचर से। तो है ना बहुत ही आसान और कितने कम टाइम में बन जाते हैं ये, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एक बार जरूर बनाकर देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।